नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग भारत का विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि विदेशों के साथ जो व्यापार हुआ है और उसके संबंध में जो नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं कि एफडीआई का अंतर प्रवाह कितना हुआ है, कौन से देशों से सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त हुई है। इसके अलावा आयात निर्यात की मदों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी कहते हैं, इसका स्रोत क्या है? आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 29 अगस्त 2018 को, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है और इसके बाद अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष जो है अगस्त में ही आती है। तो अगर अगस्त से पहले यानी अगली रिपोर्ट 2019 की आने से पहले कोई क्वेश्चन आता है तो ये अपडेटेड डाटा होगा। इसके अनुसार 2017-18 में कुल भारत में एफडीआई कितना प्राप्त हुआ? 37.36 अरब डॉलर। और 2016-17 को में अगर देखा जाए यही आंकड़ा, यानी 2016-17 में कुल प्राप्त एफडीआई कितना था? 36.31 अरब डॉलर। यानी एफडीआई के अंतर प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 17-18 में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 1.05 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं कि भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है उसका शीर्ष प्रवाह किन देशों से हो रहा है। तो मॉरिशस लगातार पिछले कई वर्षों से भारत में एफडीआई में इन्वेस्ट करने वाला जो है पहले नंबर का देश रहा है। और 2017-18 की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है आरबीआई के द्वारा, उसके अनुसार भी जो है मॉरिशस ही पहले स्थान पर है। 13,415 मिलियन डॉलर एफडीआई का निवेश उसने भारत में किया है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड, चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पांचवें नंबर पर जापान। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, कम से कम शुरुआत के तीन देशों का आपको क्रम जो है ज़रूर याद रखना है। खासकर पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन प्रायः पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रवार यानी सेक्टर वाइज जो हमको एफडीआई विदेशों से प्राप्त हो रहा है उसका सेक्टर वाइज ब्रेकअप जो है सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हो रहा है संचार सेवाएं यानी टेलीकॉम सेक्टर को, टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हो रहा है। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, तीसरे नंबर पर खुदरा व थोक व्यापार यानी रिटेल एंड होलसेल की जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, उसमें तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर फाइनेंशियल सर्विसेज और पांचवें नंबर पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री पांचवें नंबर पे है। तो ये भी क्रम महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहले नंबर पर संचार, दूसरे नंबर पर विनिर्माण, तीसरे नंबर पर खुदरा व थोक व्यापार, चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएँ और पाँचवें नंबर पर कंप्यूटर सेवाएँ। ये जो है क्षेत्रवार एफडीआई का अंतर प्रवाह का शीर्ष क्रम है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं यानी विदेश व्यापार के बारे में भी बात करते हैं। तो भारत का विदेशी व्यापार अगस्त 2018 ये शीर्षक है उस रिपोर्ट का, जो 14 सितंबर 2018 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में दिया गया है, जिसका शीर्षक है भारत का विदेशी व्यापार अगस्त 2018। इसके अनुसार अगस्त 2018 में वाणिज्यिक निर्यात जो हुआ है भारत में वो 27.84 अरब US डॉलर का जो है निर्यात भारत के द्वारा किया गया है। और अगस्त 2017 में यानी इसी समय में, इसी काल में भारत से जो है वाणिज्यिक निर्यात जो है 19.21 अरब USD का हुआ था। तो इस तरह से भारत के निर्यात में भी जो है अच्छी खासी वृद्धि हुई है पिछले एक वर्षों में। अब बात करते हैं अप्रैल से अगस्त 2018-19 में भारत से कुल निर्यात, जिसमें वाणिज्यिक के साथ ही सेवा क्षेत्र भी संयुक्त रूप से है, तो आपको ये फिगर जरूर याद रखनी एग्ज़ाम के लिए, 221.83 अरब अमेरिकन डॉलर मूल्य का जो है निर्यात भारत से किया गया है 2018-19 में अप्रैल से अगस्त तक का।
और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर वृद्धि पूछ ली जाती है तो 21.01% की वृद्धि पिछले वर्ष से इस वर्ष तक के मध्य हुई है। अब प्रमुख निर्यात की मदें हम बात करते हैं कौन कौन सी रही हैं, यानी जो भारत से एक्सपोर्ट हुआ है विदेशों में उसमें कौन कौन सी मदें प्रमुख रही हैं। तो ये जो है अनइवन क्रम में लिखा हुआ है, इसको बाद में मैंने व्यवस्थित किया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो हुई है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स में, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के निर्यात में 39.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहले नंबर पर आपको इसके बारे में याद रखना है। दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं इसका भी भारत के द्वारा निर्यात किया गया है 31.76%, ये दूसरे नंबर पे है निर्यात की मदों में। यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया है ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है, आपको केवल मदों का क्रम याद रखना है। फिर तीसरे नंबर की बात करें तो जेम एंड ज्वेलरी, यानी जितने भी जो है बहुमूल्य पत्थर और आभूषण इत्यादि हैं इनका निर्यात का क्रम जो है तीसरे नंबर पर रहा। इसी प्रकार इंजीनियरिंग गुड्स यानी इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी सामान होता है उसका निर्यात जो है चौथे नंबर पर था, और पाँचवें नंबर पर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का यानी औषधि रसायन से संबंधित, तो ये पाँचवें नंबर पर निर्यात के क्रम में आया। तो आप इसको क्रमबद्ध रूप से लिख लीजिए क्योंकि इसमें क्रम ही इम्पॉर्टेंट है और क्रम ही पूछा जाता है। तो अब आगे बात करते हैं कि भारत में जो आयात किया गया यानी भारत के द्वारा जो इम्पोर्ट किया गया उसमें मदवार जो है वृद्धि के प्रतिशत के क्रम में कौन कौन से मद जो है सबसे ऊपर रहे। तो सबसे ऊपर रहा सोना जो कि पहले नंबर पर था, 92.62% की जो है इम्पोर्ट में वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम और उससे संबंधित जो क्रूड ऑयल होता है और कुछ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं 51.62%, तो ये जो है दूसरे नंबर पर रहा मदों में। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी जिसका 46.2% जो है इम्पोर्ट में वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद कोयला, कोयले से संबंधित जो अन्य उत्पाद हैं ये चौथे नंबर पर, और पाँचवें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो है नंबर आता है। तो ये क्रम हो गया, आप इसको व्यवस्थित तरीके से ज़रूर लिख लीजिएगा। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत का जो सेवा है, सेवा का साथ यहाँ पर सर्विस सेक्टर से है, तो सेवा निर्यात जो है जुलाई 2018 में 17.55 बिलियन US डॉलर था, और इसी तरह से सेवा ही क्षेत्र में आयात जो है जो जुलाई 2018 का था वो 10.85 बिलियन US डॉलर के समकक्ष था। तो दोस्तों ये पूरी जो है आयात निर्यात और उसके प्रमुख मदों के बारे में हो गया है। अब आगे के वीडियोस में हम भारत में उत्पादन यानी कृषिगत उत्पादन और गैर कृषिगत उत्पादन और उसमें भारत का क्रम, विश्व के देशों का क्रम, इसको जो है 1x1 लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।